ओके तो नमस्कार, मैं सुजीत बात कर रहा हूँ। हम आज मिस्टर जयदीप जी के साथ हैं, सीखने वाले हैं टैबलू, और हम टैबलू के ऊपर डिस्कस करेंगे सबसे पहले मैप के ऊपर, राइट? तो मेरे पास हमने एक डेटा को लोड किया है यहाँ पे। तो हम हमारे पास डेटा है जिसमें आपके पास स्टेट है, सिटी है, वगैरह है, तो इस पे चलिए हम डैशबोर्ड डालते हैं। तो बेसिकली डैशबोर्ड के ऊपर हमारे पास दो तरह के चार्ट्स होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं एक स्टेट को उठा के मैं कॉलन में रखता हूँ, नहीं रो में रखता हूँ, हाँ रो में रखता हूँ, और मैं यहाँ से मान लीजिए क्वांटिटी को उठाता हूँ और क्वांटिटी को मैं यहीं पे सम में रख देता हूँ। तो सम आ गई। ये दो तरह के चार्ट एक्टिवेट होते हैं, ठीक है? तो पहला चार्ट हमारा आता है फिल मैप चार्ट, दूसरा चार्ट जो होता है फिल मैप आता है, पहला मैप चार्ट, दूसरा होता है फिल मैप चार्ट। तो अगर आप यहाँ पे हमने चार्ट लिया है, यहाँ पे देखिए मैप के फॉर्म में आपके सामने दिख गया, राइट? तो इसमें जो है कलर आपके देख रहे स्टेट के हिसाब से, जो जिस स्टेट में सेल्स से, है उस स्टेट के हिसाब से इसके ऊपर कलर्स आपको दिख रहा है। उसके बाद मान लीजिए कि मैं एक बार क्या करता हूँ कि जो हमारी लैंगिट्यूड है ना, लैंगिट्यूड उठा के मैं एक बार और यहाँ पर रख देता हूँ, तो आप देखेंगे दो डिफरेंट डिफरेंट चार्ट हो गया। तो अब जैसे कि मैं इस चार्ट को कुछ और करना चाहता हूँ, उस कार्ड को चार्ट को मैं कुछ और करना चाहता हूँ, तो उस केस में हम यहाँ पे ये चार्ट जो हमने ले रखा है, अब इस पे इसके चार्ट्स के अलग अलग लेयर होते हैं, मैप्स के अलग अलग लेयर होते हैं। तो ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा मैप, मैप में जाएंगे तो मैप यहाँ पे लेयर दिखेगा, लेयर में ये आपकी टॉप लेयर है। जैसे मैंने यहाँ पे बेस को हटा दिया, दिख रहा है आपको बेस हटा हुआ दिख रहा है ना? उसके बाद मैं लैंड कवर हटा देता हूँ, जो जो लैंड है, जो वाटर है उसका कवरिंग दिख रहा होगा वो हट गया। फिर यहाँ पे कंट्री और रीजन दिख गया, ये चीज भी यहां से हट सकते हैं, स्टेट एंड जो होता है वो भी यहां से हटा सकते हैं। तो अब मेरे पास सिर्फ इंडिया का चार्ट है, ओके? तो मैं अब यहां पे दो चार्ट ले, यहां पे दिख रहा है लैंगिट्यूड और यहां पे लॉन्गिट्यूड आ गया, दो अलग अलग चार्ट दिख गया ना आपको यहां पे सर, देखिए है। तो ये नीचे के लिए नीचे वाला है, ऊपर के लिए ऊपर वाला। तो मान लीजिए मैंने अब इसको मैं यहां से क्लोज करता हूँ, और फिर यहाँ पे जो हमारे कलर ऑप्शंस है, उस कलर ऑप्शंस में मैं एक बार अपना टोटल को उठा कर रखता हूँ, टोटल तो सर पहले से ही था। इसमें हम चाहे तो अपने नेम को उठा कर रखेंगे, तो रखते ही आपका कलर थोड़ा सा इंडिकेट होगा। अब यहाँ मैं फिल मैप चार्ट पे क्लिक, नहीं, फिल मैप चार्ट पे क्लिक करते अलग अलग हो गया, और इसमें जस्ट आपके डॉट लाइंस यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है? क्योंकि हमने कलर पे अपना उठा के ये डाल दिया, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। फिर अगर मैं वापस, मैं जो पहले वाले चार्ट है, क्या इसमें मैं नेम रखूँ तो क्या या सिर्फ डॉट दिखेगा? जी हाँ, तो जैसे आप इसमें रखते हैं आपका डॉट यहां पे दिख जाता है, राइट सर? मैंने यहां से इसको हटा दिया तो एक चार्ट दिख गया। अब यहां पे मैं अपने नेम को कलर पे रखता हूं, ये हट गया, हटना नहीं चाहिए था इसको,
आया सर, सही। तो इसमें आपका अलग अलग कलर, नेम्स आई? का कलर आ गया, जो नेम जिस जिस सिटी में है ना उसका कलर दे दिया। कैसे मैंने क्या किया बताता हूँ आपको। जैसे कि ये चार्ट था, तो जैसे मैं नेम को उठा के अगर रखता था इसमें, तो ये आपका इस तरह से हो जाता, ठीक है। आई? तो मैंने इसको यहां से, ये चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट पे क्लिक किया, आपका फिल मैप चार्ट होता है उस पे। लेकिन वो क्लिक किया कब, जब मैं यहाँ इस पे कलर रखा और इस पे क्लिक किया। क्लिक करते क्या हो गया, ये हर नाम का अलग अलग चार्ट हो गया। अब मैं इस कॉलम से इस चार्ट को उठाया और यहाँ कलर में रख दिया, तो ये हमारा कलर चार्ट जो इसके हिसाब से कलर हो गया, ठीक है। जी अब यहाँ व्यू डाटा पे क्लिक कर रहे हैं, तो इसका डेटा मुझे यहाँ पे दिख जा रहा है। इस तरह से इसका डेटा भी यहाँ पे मुझे प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन बात आती है, क्या डेटा मैं इसके ऊपर प्रेजेंट करा सकता हूँ। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि डेटा कैसे किस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। मैप है यहाँ पे, बैकग्राउंड में लाइट है, नॉर्मल, डार्क, स्ट्रीट, आउटडोर। तो ये आपका पीछे का जो मैप है वो मैप हिसाब से चेंज होगा, नॉर्मल करोगे तो आपका नॉर्मल होगा। फिर मैप में अगर आगे बढ़ते लाइट करूंगा तो लाइट है, ब्राइटफुल तो लाइट ही था। उसके बाद इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं तो डार्क, ये आपका डार्क हो जाएगा, ठीक है। जी उसके बाद स्ट्रीट, तो ये आपका स्ट्रीट दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आते आते हैं, तो ये आउटडोर, आउटडोर आपका दिखेगा। आप अगर सेटेलाइट का देखना चाहते हैं तो ये सेटेलाइट का दिखेगा, ठीक है। जी उसके बाद कुछ नहीं देना चाहते हो तो आप नॉन कर सकते हो। मैनेज मैप पे जाते हो तो यहाँ पे अपने अपने लिंक वगैरह देना चाहते हो तो दे सकते हो। मैप सर्विसेज में कोई इम्पोर्ट वगैरह करना चाहते हो तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं बाकी और चीज़ के बारे में। बैकग्राउंड इमेज अगर आप बनाना चाहते हो बैकग्राउंड इमेज में, तो कोई इमेज आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से अपना एड्स वाला इमेज ऐड कर लिया, स्पेसिफिक रेंज। ये आपको लैंगिट्यूड बता रहा है शायद, वैलिड फिल रेंज। ओके, यहाँ जी लेकिन बैकग्राउंड में लैटिट्यूड वगैरह में देखा जाता था इसको, ताकि जैसे कि कोई ऐसी, मान लीजिए कि आप चाहते दिल्ली में मेरा दिख जाए तो हम उसे दिल्ली यूज करते हैं, बट मुझे दिल्ली का लैटिट्यूड पता नहीं है ना, इसलिए बैकग्राउंड इमेज में एडिट लोकेशंस। अगर आप लोकेशंस को एडिट करना चाहे तो लोकेशंस को एडिट कर सकते हैं, कि स्टेट में जैसे कोई स्टेट आपका नहीं, तेलंगाना देखिए नॉट रिकोगनाइज, मध्य प्रदेश को नहीं समझ पा रहा है, तो यहाँ पे आप इसके मतलब कि ये देंगे मध्य प्रदेश, तो कुछ ऐसा स्टेट अगर जिसका जियोग्राफिक नहीं मिलता है उसका जियोग्राफिक कर, तो मैप ऐसी प्रॉब्लम कर देता है। और मैप लेयर तो समझ गए, मैप ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पे स्केल पे क्लिक करेंगे तो आपका नीचे जूमिंग एंड स्केल दिख जाएगा।
यूनिट्स में मैंने बोला कि यूएस के अकॉर्डिंग चले, तो यूएस यहाँ के जो ईमेल है वो यूएस के ऊपर जाएगा, या फिर ऑटोमेटिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक उसको लेगा। ठीक है सर, जी तो इस पे करते हैं सो। अब दूसरी चीज़ है कि मैं यहाँ पे क्वांटिटी को भी लेके यहाँ पर रखता हूँ। ये मैप छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और मैं इसकी साइज पे यहाँ रख देता हूँ। एक यहाँ आपके सामने साइज हो गया, समझे, साइज को बढ़ा दीजिए। तो जहां जहां इसके पॉइंट्स होते हैं, मैं दोबारा से इस पर एक नई सीट बताता हूँ साइज को, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ से सिटी वाइज और हमने इसका टोटल लिखा हुआ है, अब मैं इसको यहाँ मैप पे क्लिक किया तो ये हमारा सिटी के हिसाब से दिख रहा है आपका, ये मैप दिख रहा है, दिख रहे होंगे हर सिटी का डॉट्स है। अब मैं अपने इसमें क्या बोलते हैं क्वांटिटी को उठाया और मैं इसके साइज पे दे दिया, तो साइज जो है क्वांटिटी जिसके जहाँ पे कम है उस पे छोटा हो गया, और जहाँ पे बड़ा है उस साइज देखिए उतना बड़ा यहाँ पे हो गया। लेबल अब यहाँ पे जैसे मैं नेम को रखा तो यहाँ पे नेम के हिसाब से, अब साइज में भी इसके साइज को बड़ा भी कर सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। और इसने जो आप नेम जब रखा तो डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको दिख रहा है ना सर, वो नेम हाँ कलर दिखा रहा है, हर नेम का कलर दिखा रहा है, कौन सा नेम किस तरह का कलर जा रहा है, कर्सर रखते उस पर दिख जा रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, डॉट यहाँ से इसका यूज कर सकते हो। के ऊपर डेटा लेबल भी लग सकता डॉट के ऊपर डेटा लेबल लग तो सकता है, लेकिन सर पब्लिक में मुझे मिल नहीं रहा है डेटा लेबल का रखने का। मैं लेबल के ऊपर मान लीजिए अपनी क्वांटिटी को लेबल के ऊपर रखता हूँ, तो हाँ सिर्फ एक पे आया सिर्फ। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, नेम को यहाँ से हटाता हूँ, हाँ लेबल आ गया। है। मतलब कि चला हाँ साइज अब जूम खत्म, गया जूम आवर में नहीं दिखेगा, जब जूम करना बंद कर दोगे तो उसको थोड़ी देर बाद दिखेगा। अब मुझे इस पे लेवल पे इसका नाम भी चाहिए, अब नाम चाहिए यहाँ पे, नाम को अगर लेवल में यहाँ पर रख देते हैं आप तो नाम यहाँ पे नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि तो बात यह है कि क्वांटिटी में हटाता हूँ। बल्कि इस सिटी में बहुत सारे लोगों ने काम किया है, सिर्फ एक का नहीं दिखेगा। ओके मैं ये काम करता हूँ, एक यहाँ से क्वांटिटी को हटाता हूँ और सिर्फ नेम को रखता हूँ लेवल में। नेम को उठाया और लेबल में कुछ भी आ रहा है, बाकी भी नहीं आ रहा है, बाकी भी इसलिए नहीं आ रहा है कि दो नाम होंगे इसमें, इसलिए दो नाम पे नहीं आते हैं, ठीक है लेबल आ जाएगा लेकिन नाम मान लीजिए ना कि नेम पुनीत सिटी, मान लीजिए कि सिटी के हिसाब से ना मध्य प्रदेश में मान लीजिए 5 लोगों ने काम किया तो 5 का नाम यहाँ पे थोड़ी शो करेगा, लेकिन क्वांटिटी आपकी शो कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी का टोटल होता है ना सर, इसलिए सब पे शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसके लेवल्स के आपके ये है क्या बोलते हैं फॉर्मेटिंग है, जिसमें सम है और यहाँ पे सम किया हुआ है। अब यहाँ से चेंज अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो कि सम की जगह पे कोई फॉर्मूला अगर लगाना है तो आप वो यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपका इसकी फॉन्ट वगैरह कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो, जो कलर आप करेंगे आपका लेवल उसी कलर का यहाँ पे शो कर जाएगा। अलाइनमेंट ऑटोमेटिक है या उल्टा सीधा करना चाहते हो
तो ये आप यहां से कर सकते हैं, ऑटोमेटिक रखना है, ये ऊपर नीचे मिडल में कहाँ करना है ये रखिए, या फिर ऑटोमेटिक कर दीजिए, रैप ऑटोमेटिक करना है या फिर रैप करना चाहते हैं कि टूट के आ जाए, उसमें यहाँ पे कर सकते हैं। मार्क टू लेवल इसमें भी है कि सिलेक्टेड जो आप सिलेक्ट करेंगे उसी को मार्क आएगा, या फिर मिनिमम मैक्सिमम जो सबसे हाईएस्ट है उसका शो करेगा, या जो हाईलाइटेड है उसका शो करेगा, ऑल पे करेंगे तो आपका ऑल करेगा। ठीक है, ठीक क्लियर, कोई डाउट इसमें? नहीं। तो मैप में वो कलर करने वाला सिस्टम भी पता चल गया, इस पे जो हम डालते हैं वो भी चला गया। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर में अलग अलग चीज होती है, जैसे मान लीजिए नेम में कलर दे दिया, तो अब ये नेम दिया तो ये आपके बाकी चीज कलर। अब मैं इसकी जो कलर है इसका ओपेसिटी वगैरह कम और ज्यादा कर सकता हूँ। साइज में अगर जैसे कि साइज है आपका, साइज में कुछ डालना चाहते हो तो नेम को मैंने साइज में डाल दिया, और इसकी साइज को मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, तो इसमें आपका एक पाई चार्ट, इसका क्या बोलते हैं, कॉलर डोनट चार्ट की तरह आपका दिखेगा, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स के डिटेल होंगे। ठीक है, ठीक यहाँ पे टूल टिप में आप चेंज कर सकते हैं सिटी को क्या होना चाहिए, नेम क्या होना चाहिए, स्टेट क्या होना चाहिए, ये जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इसको चेंज कर सकते हैं आप। बाकी आप इसको खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, तो हम इसके बारे में और ज़्यादा आपको बताएंगे, अगर प्रैक्टिस करके खुद बनाइएगा तो उसके बारे में और हम आपको इसको समझाएंगे। है सर। सर जो मैंने शीट भेजी थी एक बार मैं आपके साथ भी देखना चाहूंगा उसके ऊपर क्या क्या कर सकते हैं हम। क्या बोला आपने? जो मैंने आपको शीट भेजी थी ना हाँ मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर भी एक बार हम देखेंगे कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। हाँ मैं बता देंगे आपको, चिंता मत कीजिए, वो शीट पे और भी ज्यादा काम हम करेंगे। हम देखे थे आपका शीट और उस पे और भी ज्यादा हमें जी करना हाँ जी हाँ है, और उस पे हम आपके साथ यहाँ डिस्कस। आइडिया मिल जाएगा ना थोड़ा प्रैक्टिस होगी। क्योंकि अभी हमने आपकी फॉर्मेटिंग वगैरह अभी अभी मैंने जैसे मैप आज आपको मैंने कवर किया, तो ऐसे और भी चीजें इसमें कवर करेंगे, और मैप भी आपका मैंने अभी मैप भी आपका पूरा तो नहीं किया हूँ, मैप में भी बहुत चीजें हैं जो कि मैं आपको आगे कुछ क्लासेस में सिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि उससे पहले ठीक है हमें पढ़ना पड़ेगा फिल्टर्स और बाकी और चीजें हैं जिसको हमें पढ़ेंगे, तब जाके वो चीज आपको समझ में अच्छी तरीके से आएगा। राइट सर, राइट तो मैथ के ऊपर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, जी फिर हम इसके बारे में आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर। ठीक, सर ये रिकॉर्डिंग आप प्लीज मुझे भेज जरूर दीजिएगा। जरूर जरूर जरूर।